हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी आए हैं जी हम अपने खेतों में और यहाँ से हम जो है जिसे ज्वार कहता है गाइस वो ज्वार काट रहे हैं जी। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये है जी ज्वार और हम इसे यहाँ से काट रहे हैं। तो गाइस ये देख लो जी हरी भरी ये ज्वार है हमारी, अभी छोटी छोटी सी है और आज जी इसे हाथ लगा रहे हैं। और ये वाली जो है बाजरा है भाई, ये बाजरा है जो ये काट रहा है और ये जो है ज्वार है जिसको अभी हम काटने वाले हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से काटते हैं अभी देख रहा है ये लड़का, काट के दिखाओ किस तरीके से काटते हो। ये देख लो जी ये इस तरीके से जो है ज्वार काटी जाती है भाई। जल्दी जल्दी से काम करो, अब जल्दी जल्दी से डालो यार, अच्छे से काम करना है। अच्छे से बाय 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 नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ रहा, बाय 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 तो बाय बाय तो करनी पड़ती है ना। ये देखो लड़का कितनी स्पीड से काम कर रहा है ना। तो भाई लोग शाम का वक्त है और इधर आए हुए हैं खेतों में तूड़ी लेने के लिए। तो हमने सोचा भाई दो तीन दिन हो गए व्लॉग नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मुझे ना फीवर हो गया था, नज़ला जुकाम, मेरा गला भी ख़राब हो गया था। तो आज कुछ ना कुछ बेहतर बटर नज़र आ रहा है भाई, ठीक हूँ मैं तो अभी से व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लो जी अभी तूड़ी डाल रहे हैं, ये क्या करोगे खुद खाओगे या खुद नहीं, हम डमरो मतलब माल को देंगे, माल को देंगे, डगरों को डालेंगे, डगर डगर हमारे काफ़ी सारे रखे हुए, डगरों को डालेंगे भाई, हम खुद नहीं खाते हैं। ये शरारती लड़का है बहुत ही ज़्यादा ना, हरकतें बहुत करता है, काम कम करता है, बातें ज़्यादा सुनाता है। ये गाना भी आता है ना? गाना नहीं आता। वो सुनाता था ना, वो गाना एक सुनाओ ना, वो जो कल सुना रहा था। कल कह रहा? कहानी कहानी था मतलब। देख लो भाई काम इस तरीके से होता है गांव में ना। वो क्या क्या नुकसान पे नुकसान करता जा रहा है ये लड़का था भाई। क्या तोड़ दिया? तो इसका किला तोड़ दिया, इसका ये टूट गया यहाँ। तूने तोड़ा? इसने तोड़ा है, इसने तोड़ा है। ये इसमें कोका लगा था, वो क्या गया? किधर गया वो पता नहीं कहाँ गया। ये देखो भाई ये लड़का बड़ा शरारती, मारता भी है ये लड़का, ये बड़ा शरारती बैल है हमारा। यहाँ पे फंसी है ये, हाँ यहाँ पे फंसी थी यहाँ पे, तो इसमें भी केल भी लगा था यहाँ पर, टूट गया पता नहीं कहाँ गया। अब जल्दी जल्दी से पानी पिला लो, ये देख रही है बेचारी, पानी पिलाता तरस रही है, वो गालियाँ भी दे रही है कि पानी नहीं पिलाता भाई। कल रात इतना ज़्यादा तेज़ तूफान और बारिश आई ना कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है। और मैं आपको ना अपना ये घर की छत दिखाता हूँ गाइस, ये देख लो ये तूफान और बारिश की वजह से ना घर की जो छत है भाई ये किस तरीके से देख लो भाई हो चुकी है, पलट खा चुकी है ना, मतलब कि ना हवा कितनी उड़ चुकी है और ऊपर से वो देख लो पानी भी इतनी दूर तक खड़ा है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा ये पेड़ भी गिर गए थे, काफ़ी ज़्यादा पेड़ गिर गए थे, तो मैं काट काट कर यहाँ पर मैंने लाला कर रख दिया है, ये देख लो जी। और ये तो रखा हुआ यहाँ पर जो है ना चकाए वगैरह चिड़िया वगैरह जो होते हैं परिंदे पानी पीते हैं, तो ये अभी बारिश के पानी से भरा हुआ है। और ये देख सकते हैं जी भाई काफ़ी ज़्यादा कल जो है नुकसान हुआ है। और इधर खेत है, खेतों में भी पानी खड़ा है काफ़ी ज़्यादा, और घर की भी बहुत ज़्यादा अभी हालत ख़राब हो चुकी है। चलो घर पर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना भाई। ये देख लो जी कितनी ज़्यादा जो है गप हो चुकी है, और यही हमारे घर का मेन रास्ता है आने जाने का, और यहाँ पर जो है पानी खड़ा हो चुका है। और मैं अपनी मोटरसाइकिल की हालत दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, ये देख लो जी कितनी ज़्यादा बैड कंडीशन में हुआ पड़ा बेचारा, उस दिन सर्विस करवाई थी ना, देख लो जी मिट्टी ही मिट्टी से भर चुका है हर तरफ से मिट्टी ही मिट्टी। और कल रात इसको मैंने वहाँ पर खड़ा किया था ना, ये देख लो जी ट्रैक्टर की भी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है, ट्रैक्टर पे भी ना काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह आ गया था, ये इसके ऊपर सूखने के लिए डाली हुई है ये ताकि सूख जाएगी, ठीक है ना। ट्रैक्टर तो धुल चुका है, साफ़ हो चुका है, बल्कि ये देख लो ट्रैक्टर साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर देख लो पानी जो है ना अभी भी छत से टपक रहा है, ये देख लो ये सारा का सारा जो पानी है ना गाइस ये छत से आया है, ये देख लो भाई ये अभी भी पानी टपक रहा है। और कल रात हम यहाँ पर सोए थे, कल रात ना हम यहाँ पर सोए थे, ये ऊपर जो है छप्पर ले लिया था अपने ऊपर ताकि पानी से बचाव हो सके, ये तीन चार पाइयाँ है। और कल हवा इधर से आ रही थी बहुत स्पीड से, ठीक है ना, बारिश भी इधर से आ रही थी,
तो ये पर्दा लगा दिया था और ये छोपर ऊपर ले लिया था ताकि पानी हमारे ऊपर रहा है, तो यहाँ पर सो गए थे, ठीक है ना। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हरचंद्र आप आजकल आपके व्लॉग्स भी आ रहे हैं, तकरीबन 4-5 दिन हो गए कि आप आते व्लॉग्स भी आ रहे हैं। तो व्लॉग नहीं आने की वजह ये है भाई कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि लास्ट व्लॉग आप लोगों ने ये देखा था लास्ट व्लॉग में कि मैं सिल्वर प्ले बटन लेने गया था और सिल्वर प्ले बटन हमारा आ चुका है। तो उस दिन हुआ ये था कि मैं शहर में गया था ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उस दिन जो है मैंने वहाँ पर एक दो जगह से ठंडा पानी पी लिया था, ठीक है ना। अब ठंडा पानी ने इतना मुझे जलील किया कि मुझे ज़ुकाम बुखार हो गया था, 2-3 दिन से जो है ना व्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन थी। आज कुछ जाकर अच्छा महसूस हो रहा, अच्छा फील हो रहा है, तो आज जो है अब फाइनली मैंने कैमरा हाथ में लिया है और आज व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ, व्लॉग बना भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही वजह थी। अभी मैं आपको ना घर की छत के ऊपर जो मेन घर है, जो हमारे कमरे हैं उनकी छतें दिखाता हूँ, ठीक है ना। गाइस ये बाथरूम है और यह जो हमारी सीढ़ी है, तो इसके ज़रिए जो हम छत के ऊपर चढ़ते हैं जी, इस तरीके से ये छतें ठीक है, खुश्क है तकरीबन सारी की सारी। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, ये घर, ये हमारा घर है जी, और घर की छतें तकरीबन जो है पानी नहीं है, इस पर ये बचाव हो चुका है।